नमस्कार, मैं एस्ट्रो रुचि नंदिनी आपका इस वीडियो में अभिवादन करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो कि कई लोगों को नहीं पता। लक्ष्मी की कमी तो सबको है, लेकिन लक्ष्मी साधना में किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ये आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता। तो आज मैं इसी बारे में आपको बता रही हूँ। विशेष तौर पर हमें लक्ष्मी साधना में पीले रंग का ऊनी आसन लेना चाहिए या फिर रेशमी आसन लेना चाहिए। लक्ष्मी माला इसमें सिद्धि सहायक होती है, इसलिए हमें लक्ष्मी माला लेनी चाहिए। और लक्ष्मी जी को तुलसी दल मतलब तुलसी पत्र, तुलसी की मंजीर ये जरूर चढ़ानी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करते वक्त एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि धन की प्राप्ति के लिए जब आप पूजा कर रहे हैं तो दीपक हमेशा दाईं तरफ और धूप बत्ती या अगरबत्ती हमेशा बाईं तरफ, पुष्प हमेशा सामने और भोग हमेशा दक्षिण की तरफ रखना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ। इसके साथ हमें इस पूजा प्रार्थना करते वक्त स्वयं हमेशा अपना मुंह पूर्व की तरफ या फिर पश्चिम की तरफ रखना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी चीजें लक्ष्मी साधना में बहुत सहायक होती है, तो इन्हें ध्यान रखिए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कीजिए। इसी के साथ मैं एस्ट्रो रुचि नंदिनी आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आईडी या फिर फोन नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो बटन दिखेंगे, कॉल या चैट। अपनी सुविधा अनुसार बटन का सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फर्स्ट रिचार्ज ऑफर का प्रयोग करें। वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी देर ना करें। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन।